आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वहां किसानों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सुनिए। पाठशाला के कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए हैं और मेरा ये मानना है कि यह एक अभिनव कार्यक्रम है दुनिया के अंदर, जिस कार्यक्रम में जागरूकता, किसानों में जागरूकता के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका जिस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकती है, उस जागरूकता के कार्यक्रम, इस मिलियन फार्मर्स स्कूल के इस कार्यक्रम ने व्यापक रूप से इस जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, मेरा सब इस बात का मानना है कि इस देश का किसान अपनी मेहनत से अपना पसीना बहा करके खाद्यान्न में इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर लेके गया है। याद करिए, आज से 5 दशक पहले इस देश को खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और खाद्यान्न भी हमारे देश में ऐसा आता था जो उन देशों में पशुओं के लिए उपयोग में लाया जाता था, लेकिन हमारे किसानों की, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनके परिश्रम और उनके पसीने ने इस देश की धरती में एक बार पुनः सोना उगलने की क्षमता है ये साबित किया है। और इसलिए मैं देश के सबसे समृद्धशाली क्षेत्रों में से एक उत्तर प्रदेश के अपने सभी 2,33,00,000 किसानों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज उनके परिश्रम से विगत 5 वर्ष के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और कृषि के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन और उनकी आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए जिस प्रकार की अभिनव योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए, विगत 2 वर्ष के परिणाम अभी हमारे प्रमुख सचिव ने आप सबके सामने कि कैसे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन के एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2 वर्ष पहले तक कुछ क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या के प्रकरण सामने आते थे और मैं सचमुच उस समय सोचता था कि प्रकृति और परमात्मा ने इतना सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश को दिया है, तब भी हमारा किसान क्यों आत्महत्या करता है। लेकिन उस समय जो राजनीतिक उपेक्षा थी, राजनीतिक नेतृत्व की उपेक्षा किसानों के प्रति थी, उस उपेक्षा को देखने और अकर्मण्यता और शासन की उस उपेक्षा के कारण जो चीजें सामने आई थी, स्वाभाविक रूप से किसान लगातार घाटे में चल रहा था। न उसको शासन की कोई योजना इस समय पे मिल पाती थी, न उसकी उपज को खरीदने के लिए कोई व्यवस्था थी, न उसको सिंचाई के लिए कोई साधन दिए गए थे और विगत 5 वर्ष के दौरान तो केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अनेक घोषणाएं हुई, उन योजनाओं को भी ईमानदारी के साथ जब किसानों के लिए लागू नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक अकर्मण्यता कहूं मैं, राजनीतिक अकर्मण्यता कहूं। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां किसान कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी, और तमाम जो बातें हैं किसानों से जुड़ी वो भी उन्होंने कही।